आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। आज हम झारखंड के चर्चित चारा घोटाले के बारे में आपको बता रहे हैं। एक महत्वपूर्ण फैसले में कोर्ट ने झारखंड के पूर्व चीफ सेक्रेटरी सजल चक्रवर्ती को दोषी करार दिया है। अब खबर विस्तार से। चारा घोटाले में झारखंड के पूर्व चीफ सेक्रेटरी गए जेल। 21 नवंबर को सुनाई जाएगी सजा। मामला चाईबासा कोषागार से 37.70 करोड़ अवैध निकासी का। इसी मामले में एक बार कोर्ट से बरी हो चुके थे सजल चक्रवर्ती। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दोबारा हुई मामले की सुनवाई, पाए गए दोषी। झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एवं चाईबासा के तत्कालीन उपायुक्त सचल चक्रवर्ती चारा घोटाले के एक मामले में दोषी करार दिए गए हैं। अब उनका जेल जाना तय हो गया है। 21 नवंबर को कोर्ट उन्हें सजा सुनाएगा। चारा घोटाला मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने फैसला सुनाया है। मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद कोर्ट ने सजल चक्रवर्ती की जमानत को खारिज करते हुए उन्हें जेल भेजने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान सजल चक्रवर्ती कोर्ट में सशरीर उपस्थित थे। मालूम हो कि सजल चक्रवर्ती राज्य के चर्चित आईएएस अधिकारी रहे हैं। वो राज्य के मुख्य सचिव के अलावा विभिन्न बड़े पदों पर रह चुके हैं। इससे पहले रांची समेत झारखंड के कई जिलों के डीसी भी रहे हैं। इसी क्रम में वो चाईबासा के डीसी भी रहे थे। मालूम हो कि चारा घोटाले मामले में बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्री राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और जगन्नाथ मिश्र समेत कई दिग्गज कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। मंगलवार को कोर्ट ने जब सजा सुनाई, तब सजल चक्रवर्ती सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शंभू लाल साव की अदालत में उपस्थित थे। चाईबासा कोषागार से 37.70 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से संबंधित चारा घोटाला मामले की कांड संख्या RC 20A/96 में आरोपी थे। चारा घोटाला मामले में उन पर आरोप था कि उपायुक्त होते हुए भी उन्होंने कोषागार पर नियंत्रण नहीं रखा और उनकी लापरवाही के कारण इतनी भारी मात्रा में अवैध रूप से राशि की निकासी हुई। सजल की सजा के बिंदु पर सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शंभू लाल साव की कोर्ट 21 नवंबर को सुनवाई करेगी। ये मामला चाईबासा कोषागार से 37.70 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़ा है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शंभू लाल साव की कोर्ट ने सजल चक्रवर्ती को आईपीसी की धारा 120B, 409, 420, 467, 468, 471, 477A एवं पीसी एक्ट की धारा 13(2) सह पठित धारा 13(1)(d) के तहत दोषी ठहराया है। वर्ष 1992 से 1995 के दौरान सजल चक्रवर्ती चाईबासा के डीसी थे तथा कोषागार के इंचार्ज थे। आरोप है कि उस दौरान उन्होंने ये जानते हुए कि पशुपालन विभाग में अत्यधिक निकासी हो रही है, चुप्पी साधे रखी। साथ ही सजल चक्रवर्ती ने पशुपालन पदाधिकारी बीएन शर्मा एवं आपूर्तिकर्ताओं के साथ मिलकर इस घोटाले को जानबूझकर नजरअंदाज किया। नतीजतन चाईबासा कोषागार से 37.70 करोड़ रुपए अवैध निकासी कर ली गई थी। ये भी आरोप है कि सजल चक्रवर्ती ने चारा घोटाले के आपूर्तिकर्ताओं से लैपटॉप प्राप्त किया था। चारा घोटाले के RC 20A/96 में सजल चक्रवर्ती को हाईकोर्ट से राहत मिली थी। हाईकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 300 के पिटीशन पर सुनवाई करते हुए सजल चक्रवर्ती को इस मामले से बरी करते हुए उनके खिलाफ प्रोसीडिंग चलाने पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद चारा घोटाले के आरोपियों में से सजल चक्रवर्ती का नाम हटा दिया गया था।
हाई कोर्ट के आदेश के 4 साल बाद मई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने सचल चक्रवर्ती के हाई कोर्ट से मिली राहत को निरस्त करते हुए उनके खिलाफ भी केस चलाने की अनुमति दी, जिसके बाद RC 20A/96 में पूरक अभिलेख खोलकर सचल के खिलाफ केस को फिर से जारी रखा गया, जिस पर मंगलवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। चारा घोटाले के RC 20A/96 में लालू प्रसाद समेत 45 आरोपियों को CBI कोर्ट द्वारा अक्टूबर 2013 में सजा सुनाई जा चुकी है, पर उस समय सचल चक्रवर्ती का नाम आरोपियों में से हट चुका था, इसलिए उनके संबंध में कोई फैसला नहीं हुआ था। 90 के दशक में वर्ष 1995 में CAG की रिपोर्ट ने दहलका मचा दिया। बिहार में करीब 950 करोड़ रुपए का बड़ा चारा घोटाला सामने आया। इसमें बिहार झारखंड के अलग अलग जिलों के कोषागारों से अवैध रूप से निकासी की गई। मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद सहित पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र और कई बड़े अधिकारी फंसते हुए दिखे। पशुपालन विभाग के चाईबासा दफ्तर पर 27 जनवरी 1996 को छापेमारी हुई, जिसमें ऐसे दस्तावेज मिले जिसमें ये पता चला कि चारा आपूर्ति के नाम पर सरकारी धन की हेराफेरी की गई थी। मामले में पटना हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इसकी जांच का जिम्मा CBI को सौंपा। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च 1996 को इस पर अपनी मुहर लगाई। चाईबासा खजाना मामले में CBI ने 27 मार्च 1996 को मामला दर्ज किया। CBI ने अपने आरोप पत्र में लालू प्रसाद यादव सहित इस घोटाले से जुड़े दूसरे और 55 लोगों को आरोपी बनाते हुए 23 जून 1997 को अपना आरोप पत्र दाखिल किया। 30 जुलाई 1997 को राजद सुप्रीमो ने CBI की अदालत में आत्मसमर्पण किया और उन्हें तत्काल अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लालू प्रसाद 135 दिन की सजा काटने के बाद 12 दिसंबर 1997 को जेल से जमानत पर रिहा हुए। बाद में लालू प्रसाद के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई और साथ ही उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 4 अप्रैल 2000 को सह आरोपी बनाया। एक दिन बाद 5 अप्रैल 2000 को विशेष CBI की अदालत में आरोप तय किया गया। दोबारा लालू प्रसाद को इस मामले में 10 मई 2000 को प्रोविजनल बेल मिला, जो 25 मौके पर आगे बढ़ाया गया। झारखंड बनने के बाद 5 अक्टूबर 2001 को ये मामला झारखंड में स्थानांतरित कर दिया गया। विशेष CBI कोर्ट में फरवरी 2002 में रांची में इसकी सुनवाई शुरू हुई। लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी 18 दिसंबर 2006 को आय से अधिक संपत्ति मामले में बरी हो गए। मामले में 31 दिसंबर 2007 को लालू प्रसाद के भतीजे समेत 58 लोगों को आरोपी बनाया गया। इसमें पशुपालन विभाग के 2 क्षेत्रीय निदेशक जुनूल भेंगराज और राजा राम के साथ 4 आपूर्तिकर्ता राकेश मेहरा, संजय कुमार, नागेंद्र यादव और वीरेंद्र यादव भी शामिल थे। CBI कोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और जहानाबाद के पूर्व MP जगदीश शर्मा समेत 31 लोगों के खिलाफ बांका और भागलपुर कोषागार से 46 लाख रुपए निकालने के मामले में चार्ज फ्रेम किया। आज के खबर विशेष में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही, और आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में एक बेल आइकन होगा जिसे आप प्रेस करेंगे तो जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं उसकी सूचना आप तक पहुंचेगी। जुड़े रहिए आजाद सिपाही से। धन्यवाद।